हर साल पूरा परिवार एक साथ राखी पर इकट्ठा होता है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लोग 3-4 पीढ़ी मिलकर एक साथ हम लोग इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। हमारी फुआ शुरुआत करती हैं, पापा की तस्वीर को राखी बांधती हैं, हमको राखी बांधती हैं। पापा के जाने के बाद से हमको उन्होंने राखी बांधना शुरू किया। हमारी तमाम बहनें हैं, सौभाग्यशालियों की इतनी सारी बहनें हैं हमारी, तो वो सब हमको राखी बांधती हैं। भांजे भांजियाँ हैं, वो लोग बांधते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाता है। जहाँ खुशियों के साथ मैं अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मना रहा हूँ, वहीं देशवासियों को भी मैं रक्षाबंधन के इस त्यौहार की, बहन भाई के इस अटूट रिश्ते, अटूट प्यार के इस त्यौहार की मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही में आज मैं उन बहनों को भी याद करता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं असामाजिक मानसिकता की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहता हूँ आज के दिन देश का हर एक युवक, हर एक लड़का सामूहिक का संकल्प ले। जिस नज़र से हम अपनी बहनों को देखते हैं, उनकी सुरक्षा का हम भरोसा दिलाते हैं, वही सोच देश का हर एक युवा, देश की हर एक बहन बेटी के लिए रखे। ज़रूरत है उस मानसिकता को बदलने की जो महिलाओं के साथ निर्भया जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आज मुझे वो बहन भी याद आती है जो कुछ दिनों पहले जिनके साथ इस तरीके के दुष्कर्म हुए, देश के अलग अलग राज्यों में हुए। आज वो भी बहनें शायद किसी ना किसी भाई की कलाई पर आज राखी बांधती अगर वो होती, तो ऐसे में इस मानसिकता को, और कौन है ये अपराधी, वही लोग हैं जो हम लोग के बीच में सही आते हैं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है जो महिलाओं के ऊपर ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देती हैं। मैं चाहता हूँ आज देश का हर एक युवा इस संकल्प को ले, ताकि आने वाले दिनों में कभी भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटें।